प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। बोलो प्रभु परमेश्वर आपका सेवक सुन रहा है। पीछे बोलिए तीन बार, बोलो प्रभु परमेश्वर आपका सेवक सुन रहा है। 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 हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बैठिए। आज इस लड़की जो आते उसको बहुत दर्द था, पेट का बहुत दर्द था, वो हॉस्पिटल जाने के लिए बोला था, वो जाने का सब कुछ तैयारी किया था, कब से शुरू हो गया मुझे मालूम नहीं। वो अभी मैं बोला आओ प्रार्थना करेगा, जैसे ब्रदर जी बोलते मैं विश्वास से प्रार्थना किया, उसका पूरा चंगा हो गया, वो भी साक्षी देते। सबको जय यीशु। मेरा नाम फ्लोरेंस है और मैं अमरावती से आई हूँ, और मुझे ये रिट्रीट में आके बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मतलब मुझे पेट में और यहाँ पे चेस्ट में बहुत पेन होता था, डॉक्टर्स को भी दिखाया और फिर सोनोग्राफी भी की दो बार, एंड उसके बाद एक्सरे भी किया, बट वो सब नॉर्मल था, उसमें कुछ भी नहीं था। और फिर मतलब मम्मी भी ऐसे डर गई थी थोड़ी सी, मेडिसिन शुरू थे, कुछ असर नहीं हो रहा था। कल रात को यहाँ से जाने के बाद जब हम सोने के लिए जा रहे थे, उस टाइम मेरा पेन बहुत बढ़ गया, मुझे एकदम ऐसा हिलना भी नहीं हो रहा था। फिर मम्मी ने थोड़ा ऐसा मतलब जो ऑइंटमेंट रहता वो थोड़ा लगा के दिया, फिर मैं सोई। बट फिर आज सुबह से लेके मतलब दोपहर तक मेरा पेन इतना बढ़ गया था कि मेरे को वो मतलब यही नहीं हो रहा था। फिर मम्मी बोले कि हॉस्पिटल दिखा देते हैं, फिर हमने फादर से कंसल्ट किया, फिर फादर जी ने बोला कि पहले हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं गया तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर फादर जी ने मेरे लिए प्रेयर की, और फिर मतलब फादर जी ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया प्रेयर में, और फिर आपके सामने मैं दिख रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, मुझे अभी कोई पेन नहीं हो रहा है, सो प्रेज द लॉर्ड। और फिर मतलब मुझे यहाँ पे मुझे आना ही नहीं था यहाँ पे, एक्चुअली मेरा मन नहीं था यहाँ पे आने का, और लास्ट मोमेंट तक निकलने तक मम्मी ने मेरे को बोला चल बेटा, मैंने बोला नहीं मम्मी मेरे कॉलेज में अभी प्रोग्राम है तो मैं नहीं आऊँगी, मेरा स्पीच भी है। नहीं, मम्मी बोले बेटा कुछ नहीं होता, आपको चलना है, बोले फिर थोड़ा दिखा देंगे, फिर आपको हीलिंग भी मिलेगा। तो फिर मम्मी की वजह से मैं यहाँ पे आई, और मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी अगर मुझे आने का मौका मिला तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं आऊँगी। थैंक यू जीसस।